चर्चित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। बता दें M3M मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने कंपनी के डायरेक्टर बंसल बंसल और उनके बेटे पंकज बंसल को गिरफ्तार किया है। ईडी ने दोनों को पंचकुला स्थित जिला अदालत में पेश किया, जहां से दोनों आरोपियों को 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। वहीं ईडी की रूप बंसल से भी लगातार पूछताछ जारी है। यहां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बंसल बंधुओं पर 400 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और ईडी M3M और ईरियो के बीच 400 करोड़ के अवैध लेन देन सहित कई मामलों की जाँच कर रही है। आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल ईडी का आरोप है कि M3M ग्रुप के मालिक, कंट्रोलर और प्रमोटर बंसल बंसल, पंकज बंसल, भू बंसल और अन्य मुख्य लोग रेड के दौरान जांच से बचते रहे। ईडी ने ग्रुप पर निवेशकों और ग्राहकों के फंड को डाइवर्ट और फ्रॉड करने के आरोप लगाए हैं और इस मामले में ईडी पिछले कुछ सालों से ईरियो ग्रुप की भी जाँच कर रही है, जिसमें ये बात भी सामने आई है कि M3M ग्रुप के जरिए भी सैकड़ों करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई। इसमें 400 करोड़ रुपए के एक बड़े ट्रांजैक्शन पर शक है। ईडी का आरोप है कि काले धन को छुपाने के लिए शेल कंपनियों का सहारा लिया गया है। यहां आपको बता रहे कि M3M और ईरियो रियल एस्टेट कंपनियां हैं, जो कि प्रमुख रूप से दिल्ली NCR और उत्तर भारत में काम करती है और इनका विवादों से पुराना नाता रहा है। वहीं अब तक की जांच में सामने आया है कि M3M ग्रुप ने ईरियो ग्रुप से 400 करोड़ रुपए लिए हैं। M3M ग्रुप में ट्रांजैक्शन को डेवलपमेंट पेमेंट दिखाया गया है। ईडी इस मामले में M3M ग्रुप की करोड़ों रुपए की संपत्ति अब तक जब्त भी कर चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ईडी रिमांड के दौरान जब पूछताछ करेगी तो आरोपी क्या खुलासे और क्या कबूलनामा करेंगे। पंचकुला से सूर्य समाचार के लिए तारा ठाकुर की रिपोर्ट।